अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से हो। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानी और बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके साथ फ्लैटन चिकन की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये फ्लैटन चिकन, या इसे आप चिकन चाप भी बोल सकते हैं। चिकन को बकरे के जैसे चाप नहीं रहते, उसके सीने के गोश्त का ये बनता है। ये बहुत बेहतरीन बनता है और इसको हम वैसे ही फ्राई करते हैं जैसे चाप फ्राई करते हैं, मगर चाप को कभी कच्चे मसाला लगा के बनाते हैं और कभी बॉईल करके बनाते हैं, मगर चिकन बहुत फटाफट बन जाती है। तो इसके लिए कच्ची चिकन का मैंने बनाई हूँ, आप भी बना के ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत कम टाइमिंग बन जाते हैं। चिकन का सीना ली थी मैंने, उसके ऐसे चपटे पीस बना दी थी। ये चिकन का सीना है, उसके ऐसे चपटे चपटे पीस बना दी थी इस तरह। तो आपने इसी तरीके से स्लाइस कर लेना है, चिकन ब्रेस्ट लेना है। ये तकरीबन 200 ग्राम्स थी और उसे इस तरीके से थिनली स्लाइस कर लेना है। और फिर बाद में मम्मी एक हैमर की हेल्प से या कोई एक सील बत्ता बोलते हैं ना, सील बत्ते की हेल्प से उसे थोड़ा और फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए इसे इस तरीके से फ्लैट ही रहने देना। ये फ्राई करके खाते हैं तो बहुत टेस्टी और अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत शौक से और पसंद से खाते हैं इनको। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें हम जो इसको मैरिनेट करेंगे वो है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, 1 बाउल में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये चिंग्स का रेड चिली सॉस जो मम्मी ने लिए 3 टेबलस्पून 3 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस, उसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले इसमें गया है 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच काली मिरी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच सोया सॉस है। ये सभी मसाले डाल के अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना चिकन को इसमें। पहले तो सभी मसाले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और फिर बाद में इसमें चिकन डाल ऐड करके चिकन को मसाला लगा लो। इसके अंदर 1-1 चिकन का पीस डाल के उसको अच्छे से मसाला लगा के 10-15 मिनट के लिए मैंने रख दी थी, इसलिए कि मसाले सब लग जाए चिकन के पीस पे। और 1 चम्मच तेल डाली थी, क्योंकि मसाले किसी भी मसाले में तेल डालने से क्या होता, मसाले सूखते नहीं हैं, गीले ही रहते हैं। तो इस तरह सब पूरे मसाले मैंने मिला दी थी और मिला के फिर 1-1 पीस डाल के सबको पीस को पूरा मसाला लगा दी थी। ये देखो, ये इस तरह 1-1 पीस को मैंने लगा दी थी पूरा अच्छे से मसाला। इस तरह मसाला लगा दी थी पूरे पीस को।
तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद इसे 10-15 मिनट्स के लिए रख देना है और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करके एग में डिप करके फ्राई कर लोगे। तो हमें 2 एग्स लगे थे और तकरीबन 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स लगे थे। तो इस तरीके से मम्मी ने देखी ब्रेड क्रम्स को एक ट्रे में डाल के अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिए थे। सब जगह स्प्रेड करने के बाद एक एक चिकन को इसमें कोट कर लेंगे और फिर जो है इसे देख ले फिर मार कर। ये इस तरह मसाला मिल जाएगा पूरा अच्छे से मिल जाएंगे 15-20 मिनट रखने के। देखिए अभी एग में कोट करके इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से एक सील पत्ते की हेल्प से एक या तो हैमर की हेल्प से जो किचन हैमर होता है उससे हल्के हाथ से उसको चॉप कर लेने का चपटा कर लेने का ऐसा फ्लैट कर लेने का। जैसे ये थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा ना तो चिकन तो ऑलरेडी थिनली स्लाइस थी लेकिन उसकी हेल्प से थोड़ा और फ्लैट कर लेने का थोड़ा हल्का हल्का उसको चपटा कर देने का तो अच्छा लगता है। और अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसे अंडे में डिप करेंगे एग में डिप करके इसे ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। तो ये जो है चिकन चाप बन जाएगी चिकन फ्लैट एंड चिकन रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी बनी थी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए छुरी मेरी मम्मी ने आप सबसे उनके प्रीवियस वीडियोस में मटन चाप की रेसिपी शेयर किए थे और आज मम्मी जो है चिकन चाप की रेसिपी आप सबसे शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सभी चाप को फ्राई कर लेना है चिकन को फ्राई कर लेना है और गर्मा गर्म चिकन चाप बन के रेडी है। अभी हम जो है जैसे ये एक तरफ से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे और जैसे ये दोनों साइड से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे तो अभी हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये गर्मा गर्म चिकन चाप फ्लैटन चिकन को आप इंजॉय कीजिए
कोई भी डिपिंग सॉस के साथ, जो भी आपका फेवरेट सॉस हो वो, और इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस ये रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। और जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी थी। इसे बस चिकन को मैरिनेट करना है और इसे फ्लैटन करना है और ब्रेड क्रम्स में कोट करके एग में डिप करके इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है। एक तरफ से गोल्डन क्रिस्प हो जाएगी तो ये इसे दूसरी साइड टर्न कर लेना और ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से 10-15 मिनट्स में स्लो फ्लेम ही रखना, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ये पक जाएगी और फिर इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। और तवे में मैं हमेशा फ्राई करती हूँ क्योंकि तवे में एक तो तेल कम लगता है और अच्छे से बन जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेता है कोई भी चीज़। और अंडा कोई भी चीज़ में डाले तो फेस होता है अंडे में, तवे में फ्राई करने से फेस कम हो जाता है और जल्दी भी बन जाता है, अच्छा बनता है तवे में। देखो कितने अच्छे बन गए हैं। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाइए और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसे ये वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरी मम्मी का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अकाउंट है तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उनको उधर भी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप उधर जाके प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।